नमस्कार, लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं पवन पांडे। जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक पुलिस के हाथ लगे अहम सुरागों की जानकारी दी। जांच कर रही एसआईटी के हेड जॉय तिर्की ने बताया कि हिंसा में शामिल 9 छात्रों की पहचान कर ली गई है। इसमें जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल हैं। जिन्हें छात्रों को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, उन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विवाद के केंद्र में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, जिसको लेफ्ट से जुड़े छात्र विरोध कर रहे थे। पुलिस ने 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सर्वर को नुकसान पहुंचाने से लेकर पेरियार और साबरमती हॉस्टल में हुई हिंसा तक की घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया। काफी मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि लार्ज मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन वांट टू एक्चुअली रजिस्टर, बिकॉज नया साल शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन करना है और आगे पढ़ाई करनी है। पर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने भी नहीं दे रहे हैं, और जब वो रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको डराया धमकाया भी जाता है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है, वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी, और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किया। तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बता रहा था, जिससे थोड़ी मेरे को मदद मिली है, उसका नाम है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, और इसमें भी 60 मेंबर के आसपास हैं इसमें। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक, वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक स्टूडेंट है जेएनयू का, पर ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट जेएनयू एसयू, और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज कुमार मैं आपको दूंगा नाम, दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये वास्कर विजय मेक है, ये भी स्टूडेंट हैं जेएनयू के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसिलर जेएनयू, और ये प्रिया रंजन है, बीए थर्ड ईयर। और एक है डोलन सामंत, शी इज स्टूडेंट काउंसिलर। और योगेंद्र भारद्वाज है, ये पीएचडी कर रहे हैं संस्कृत में, और योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी आइडेंटिफाइड हिम ऑल्सो। और एक विकास पटेल हैं, जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा, येलो सी टी शर्ट पहन के, मैं उनकी फोटोज भी अभी आपको दिखाता हूँ। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की। इस गोलाबारी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। ये घटना पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर की है। हमले में शहीद होने वाले दोनों जवान सेना में पोर्टर हैं। शुक्रवार लगभग 11 बजे पाकिस्तान ने पुंछ में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सीमा में मोर्टार छोड़े। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी खेमे में भारी नुकसान की खबर है। कनौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने कट्टरपंथियों को खुला ऐलान करते हुए कहा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान से आए पीड़ितों को नागरिकता लेने से रोका, तो वह एक और धर्म युद्ध के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोगों को नागरिकता देने का है, देश में रहने वाले नागरिकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव में हैसियत है तो वह सीएए के विरोध में सपा के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारें। भोले भाले मुसलमानों को बरगला कर हिंसा करवा रहे हैं अखिलेश यादव। अरे कट्टरपंथियों, भारत की नागरिकता उनको मिल चुकी है, नहीं रहने दोगे तो एक धर्म युद्ध और होने वाला है। रोक सकते हो तो रोक लो, धर्म युद्ध होगा। उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी गई है, कोई माइका लाल उनकी नागरिकता नहीं ले सकता। तुमने अन्याय किया, हमने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तुम कहा करते थे मोदी आएगा कटवा डालेगा, मोदी आएगा तो फड़वा डालेगा, मोदी आएगा तो मस्जिद जाएगी, मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी आएगा तो वो कर देगा। अरे मोदी तो आया ही आया, साथ में योगी को भी लाया। बताओ मित्रों क्या किया? हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान के साथ में कोई अन्याय हुआ?
सिर्फ 5 साल की सरकार में 7 करोड़ से भी अधिक घरों को शौचालय दिए। ये अमेंडमेंट जो हमारे यहाँ संशोधन बिल हुआ है, इसका कोई गलत मतलब नहीं लिया, जिसका मतलब ये लोग दे रहे हैं, हमारे दूसरे लोग जो यहाँ के हैं, तो उसी के विषय में ये चर्चा होनी थी आज यहाँ पर कि ये है क्या। अब जिसके पास था कमा के रखा है तो बांटेंगे अपराधियों को और शरण देंगे अपराधियों को, उसको तो कहीं ना कहीं निकालेंगे ना, उन्होंने इस तरह कलेक्ट करके रखा है जो उल्टा सीधा पैसा, तो ऐसे ही अपराधियों को ही तो देंगे ना। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं क्या जमीन तलाश रही है यूपी में आके? उनके पास जमीन हो तो ना, उनके पास कोई जमीन नहीं है, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनको कुछ करना है। अब वो खाली हो गई हैं, फ्री हो गई हैं घर गृहस्थी से, तो वो निकली हैं, थोड़ा बहुत देख रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना अभी कि जहां उनको जाना चाहिए वहां पर 100 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं, वहां पर वो नहीं गई, और वहां पर यहां पर ऐसे जगह पर जा रही हैं जो जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नष्ट किया है, उसके आग लगाई है, लोग मरे हैं उसमें, वहां वो पहुँच रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का बड़ा निर्देश आया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस देते हुए कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश दे। बता दें कि अश्विनी उपाध्याय पीएमओ में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर साल 2018 में प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, वहां उन्होंने वेंकट चलैया आयोग का भी उल्लेख किया था। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल बिहारी सरकार में गठित वेंकट चलैया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वेंकट चलैया थे। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम सरकार के कार्यों को अंजाम नहीं दे सकते, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अमल करवाना अदालत का काम नहीं है। यूपी के कन्नौज में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते दर्जनों गांव में किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। किसानों ने आरोप लगाया कि छिबरामऊ क्षेत्र के अहिरुआ, राजारामपुर व विष्णुगढ़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बिना सूचना दिए पानी छोड़ दिया गया। नगर के माइनर की सफाई सही से नहीं की गई थी, जिसके चलते माइनर कट गई और हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि ये फसल ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा जीवन यापन की साधन थी। ये फसल बर्बाद नहीं हुई है बल्कि उनके सपने डूब गए। सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करके विरोध जताया। ग्रामीणों ने नहर सफाई के ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर माइनर की सफाई सही से हुई होती तो ये हालात नहीं होते। वहीं मामले पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों से वसूली भी की जाएगी। नहर विभाग की लापरवाही, शासन की लापरवाही। ये आपकी फसल डूब गई, कैसे आप गुजर बसर करेंगे? हमारे सर मुख्य आमदनी का जरिया या परिवार पालने का मुख्य जरिया हमारी कृषि खेती, और ये हमारी सर नहर विभाग की लापरवाही से हमारा उद्योग धंधा जो सारे सब चौपट कर दिए नहर विभाग ने। ये पानी आलू जलमग्न था। क्या फसल थी आपकी दादा? आलू खड़े हैं। कितने बीघा में है? ये 4 बीघा। तो सब पूरा पानी भर गया? पूरा पानी भरा था। बम्बा ने झाड़ू ने बम्बा रद्द करो, इन्हें पानी छोड़ दो कटा, अब आए और रुपया निकाल लो खाते में, सब लोग ने विधायक उठेगा तो भतीजे को भैया को उन्हें कई तो कई जरूर है और बता रहे काटन लोग बाग उन पर रुपया ले तो पेट्रोल ठगा, तो गरीब आदमी काटन नहीं दे जो है उनका पानी डाले कटो तो 12 साल कटो है ना, डालो कटो भी कटो और फिर कटो, 1 रुपया का हर जाना नहीं मिल। कितने बीघा फसल डूबी होगी? कम से कम 4-5 बीघा जमीन डूबी, सबसे डूबी है। कितने कितने गांव प्रभावित है इस पानी से? इस पानी से गाँव एक आदमी प्रभावित है, काजगिरी और कागिरे। इसका एक्चुअली में काटने का कोई रोक भी नहीं है, कोई काट सकते थे गांव, और वो सील सफाई में इसको काटने का प्रावधान नहीं था, सील सफाई में काम कराया गया, लेकिन अब इसको आगे हम लोग इसको काटने की कुछ व्यवस्था करेंगे, और जलाने पर भी रोक है क्योंकि गवर्नमेंट का भी निर्देश है इसको जलाया ना जाए। नहीं, जैसा ग्रामीणों का आरोप है कि पेट्रोल पैसे लेता है तो इसका नहीं, इसकी इसकी जाँच हम करेंगे, इसकी जाँच करते हैं, अगर वो पेट्रोल पैसा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये समस्या हर वर्ष आती है,
तो इसके लिए क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं पहले से ही? क्या सफाई वगैरह नहीं की जाती क्या सर? नहीं, सफाई तो हर साल प्रोविजन है, हर साल की जाती है। और रही इसकी, इतने इस पर पता रहे, इसके नीलामी की कार्रवाई हम कराते हैं कि जिससे हमारी नहर साफ हो जाए, जिससे दौड़े उड़े भी हो सकें। दौड़े करने में भी दिक्कत होती है हमें कि नहर पर हम अपनी गाड़ियों से दौड़ा नहीं कर पाते हैं। इसकी सफाई तो कब से नहीं हुई, नीलामी कब से नहीं हुई? नीलामी मैं अभी तो, चूंकि मैं जल्दी आया हूँ, मैं मुझे जानकारी कि इसमें अभी नीलामी नहीं हुई है। कितने वर्षों से लगभग? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, अभिलेख देखने पर पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी इसकी नीलामी नहीं हुई है। सर हजारों सालों से नहीं हो रही है, हजारों बीघा जलमग्न हो गई फसल, इसकी सर भरपाई? यूपी के कासगंज में एक महिला से उसके ही देवर द्वारा दुराचार करने की घटना सामने आई है। सदर कोतवाली छेल क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में तहेरे देवर ने अपनी भाभी को बंधक बनाकर दुराचार की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी देवर फरार चल रहा है। यूपी के ललितपुर में एक ग्रामीण का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला थाना बार के पारोन गांव का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। आगरा दक्षिणी बाईपास उस समय छावनी बन गया जब गायों की खाल से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि गायों की खाल से भरा ट्रक गुजरात से आ रहा था कि ड्राइवर को अचानक नींद आ जाने की वजह से ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया, जिससे आगरा दक्षिणी बाईपास पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जेसीबी मशीन द्वारा ट्रक को रास्ते से हटवाया। आगरा मथुरा जयपुर हाईवे पर दक्षिणी बाईपास ग्राम उजरई के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मौके पर खाल बरामद हो गई है जो पशुओं की खाल है, कतिपय रूप से गोवंश की भी हो सकती हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार किरावली मैं हूँ, उपस्थित हूँ। सीओ साहब, पुलिस फोर्स मौजूद है। पशु चिकित्सा अधिकारियों को टीम बुलाई जा रही है इसके सैंपल लेने के लिए। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे सैंपल लेकर इसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये गाय की खाल से भरी हुई गाड़ी पलटी हुई मिली है, जिसकी अभी डॉक्टर को बुला के जाँच के लिए सैंपल दिया जा रहा है। सीओ साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। एक व्यक्ति भी यहाँ पकड़ा गया है, जिसको लोगों ने अभी पकड़ा हुआ है, जैसे हॉस्पिटल भेजा गया इलाज के लिए, उससे भी पूछताछ होगी। जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि गाड़ी मालिक के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। और ये गाय की खाल जो पकड़ी गई है, ये बहुत बड़ी मात्रा में लाखों की खाल है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्भया केस के सभी आरोपियों को आगामी 22 जनवरी को भले ही फांसी की सजा सुनाई गई हो, लेकिन लोग इससे बेहद संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। लाइव 24 चैनल ने गोरखपुर के एक निजी स्कूल पर जाकर छात्र छात्राओं से बातचीत की तो पता चला कि छात्राओं की मंशा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार लड़कियों के लिए एक ऐसा ठोस कानून लेकर आए जिससे अपराधियों के हौसले टूट जाएं, ताकि कोई भी अपराधी दुष्कर्म करने की सोचे तक नहीं। छात्र छात्राओं ने प्रियंका रेड्डी मामले पर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर खुशी जाहिर की। चारों आरोपियों को लेकर जो का फैसला आया है, इससे निर्भया तो वापस आ नहीं सकती, पर उनके माता पिता को एक संवेदना जरूर मिली है। हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार से यह अपील है कि इस देश में एक ऐसा कानून बनाए जो भी व्यक्ति ऐसा कदम उठाए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 20 जनवरी को जो कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है, जिसमें निर्भया केस के सभी आरोपियों को फांसी दी जाने वाली है, इससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लेकिन हमारी सरकार को लड़कियों के लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि अपराधियों पर तत्कालीन प्रभाव से कार्रवाई की जा सके। यूपी के लखीमपुर खीरी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में कई संगठनों ने संयुक्त रूप से धर्मसभा इंटर कॉलेज से एक रैली निकाली। रैली को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मेला मैदान रोड इमली चौराहा से होते हुए धर्मसभा इंटर कॉलेज पहुंची। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। विपक्षी दल जो भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम को दूर करना हमारा उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट गांधी महात्मा गांधी जी को भूल गए हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक समर्थन कर रहे हैं, न
नरेंद्र मोदी के फैसले को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आम जनता समर्थन दे रही है। देखिए आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर समर्थन प्रदर्शन नहीं समर्थन पे जा रहे हैं हम लोग, और ये समर्थन आम जनता का समर्थन है। आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और कोई भी व्यक्ति कितना उत्साह है कितना उत्साह है नरेंद्र मोदी जी के फैसले को लेकर। नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी के फैसले को कितना जनता समर्थन दे रही है आप लोग देख रहे हैं जी। कम से कम 15,000 से 20,000 की भीड़ अभी इस टाइम पे है। अगर मौसम गड़बड़ ना होता है लाखों में संख्या होती है। कांग्रेस देखिए ऐसा है डुप्लीकेट गांधी जी को भूल गए हैं। 26 सितंबर 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना चाहते हैं उनको नागरिकता देना, उनके जीवन को सामान्य बनाना, यहाँ तक कि उनको नौकरी देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। वही काम अगर हम कर रहे हैं तो हमारी खिलाफत हो रही है। तो आखिर ये डुप्लीकेट गांधी क्या इटली से लोगों को ला के यहाँ बसाना चाहते हैं? अगर वो करना चाहते हैं तो 40-50 साल बाद कभी उनकी सरकार बनेगी तो कर ले। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में एक महिला ने एंटी रोमियो स्क्वाड के इंचार्ज को जमकर पीटा। महिला ने अपने पति को एंटी रोमियो स्क्वाड के इंचार्ज के साथ अश्लील हरकतें करते रंगे हाथों पकड़ लिया था। महिला ने बताया कि उसके पति और इंचार्ज के अवैध संबंध थे, जिसकी शिकायत उसने उन्नाव के कप्तान से भी की थी। शिकायत के बाद इंचार्ज ने पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद महिला ने मौका पाकर इंचार्ज को जमकर पीटा। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक्सप्रेस वे पर काम करने वाले कर्मचारी बलराम उर्फ गोविंद को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा तो परिवार वालों ने शव को लेने से इनकार कर दिया और शव को वाहन के सामने रखकर आर्थिक मदद की मांग करने लगे। यूपी डा के प्लाजा मैनेजर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जगजीवन, कहाँ रहने वाले हो? बहादुरपुर। क्या घटना हुई आपके यहाँ? सर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम भाई को? बलराम। कहाँ काम करते थे? गोविंद। अच्छा, सर नाम गोविंद है इसका। कहाँ काम करते थे वो? ये हाईवे पे वो पीडिया कंपनी की गाड़ी चलाते थे। क्या घटना हुई उनके साथ? एक्सीडेंट हो गया सर। इसके बाद यूपीडा वालों ने क्या आश्वासन दिया, क्या कर रहे हैं वो? अभी तक तो सर कोई नहीं आया था, अभी एक कर्मचारी कोई आए हैं तो वो आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग लिखित मांग रहे हैं उसका। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी यहीं है, मेडिकल कॉलेज तिरुवा में। आप लोग क्या चाहते हैं? अरे कुछ तो आर्थिक मदद हो ही जाए सर उसकी। आपके भाई की शादी हो गई थी? अभी नहीं सर। उसके घर में और कोई कमाने वाला है? माँ है सर। भाई भाभी? अरे भाई है, वो भी ऐसे ही है, सब अलग अलग है। मैं प्लाजा मैनेजर हूँ। प्लाजा मैनेजर जी, आप ये बताइए जो आपके विभाग का आदमी मरा हुआ है उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? विभाग जितनी संभव सहायता होगी जो सहायता मिलती है एम्प्लाइज को दी जाएगी सारी। उसकी विधवा माँ है, बेटियाँ हैं? बता तो दिया, हमारे सर ने बता दिया है, जो भी है जो उसकी यथाशक्ति होगी कंपनी वो पूरी मदद करेगी। अभी कोई मदद नहीं हुई है? नहीं, अभी पैसा दिया उसको अंतिम संस्कार अंत्येष्टि के लिए। कितना पैसा दिया हुआ है अंत्येष्टि के लिए? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।